आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स की हाल ही में रिलीज हुई जापानीज वेब सीरीज हाउस ऑफ निंजास की। ये वेब सीरीज फिलहाल नेटफ्लिक्स पर टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है। इसकी टोटल 8 एपिसोड्स हैं, 50 मिनट ईच। इस सीरीज का रिव्यू स्पॉइलर फ्री रहने वाला है, सिर्फ इसकी कहानी के की पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप ये डिसाइड कर सकें कि आपको इस सीरीज को देखना है या नहीं। सीरीज की कहानी की बात करें तो निंजास की एक फैमिली है जिसके पूर्वज एंशियंट टाइम से जापान किंगडम को हर तरह के दुश्मनों से प्रोटेक्ट करते आए हैं। ये एक जॉइंट फैमिली है जिसमें सिवाय 8 साल के एक बच्चे को छोड़कर बाकी सब निंजाज हैं और जो अपने आप को शिनोबी कहते हैं। इस फैमिली में एक निंजा पेरेंट कपल है जिनके 4 चिल्ड्रन हैं, जिसमें हारू और काकू दोनों भाई वेल ट्रेंड निंजाज हैं। उनकी एक छोटी बहन है जो कि अंडर ट्रेनिंग में है और एक 8 साल का भाई है जिसे कुछ आइडिया नहीं है कि उसकी फैमिली में बाकी सभी निंजाज हैं। घर में सबसे ओल्ड मेंबर एक दादी है जो पहले निंजा रह चुकी है और अभी अपनी रिटायरमेंट एंजॉय कर रही है। हत्तोरी हंजो, जिसे जापान की रियल हिस्ट्री में एक वेल ट्रेंड निंजा कहा जाता है, हाउस ऑफ निंजास सीरीज में इस फैमिली को उसका वंशज बताया गया है। हंजो के बाद उसकी पीढ़ियां एंशियंट टाइम से जापान किंगडम को प्रोटेक्ट करती आई है और ये फैमिली भी अपने पूर्वज हंजो की तरह आज जापान गवर्नमेंट के लिए सीक्रेट मिशंस करती है और जापान को आने वाले थ्रेट से बचाती है। ब्यूरो ऑफ निंजा मैनेजमेंट, जो जापानीज गवर्नमेंट की एक सीक्रेट एजेंसी है, ये एजेंसी निंजास की हेल्प से जापान गवर्नमेंट को किसी भी खतरे से बचाती है। शिनोबी अपनी पहचान को पब्लिक से छुपाने के लिए एक नॉर्मल सिटीजन की तरह सोसाइटी में रहते हैं। इस फैमिली की एक शराब बनाने की फैक्ट्री है और एक बड़ा सा पुश्तैनी घर है। घर के अंदर एक सीक्रेट चैम्बर है जहां इनके हथियार वगैरह रखे हैं जिनसे ये अपनी स्वॉर्ड और मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करते हैं। इस तरह इनकी असली पहचान हमेशा के लिए छुपी रहती है। दूसरी ओर शिनोबी की तरह फूमा भी एंशियंट टाइम से शिनोबी के पैरेलल एग्जिस्ट करता आया है। ये निंजास का एक ग्रुप है जिस पर जापान गवर्नमेंट का बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है और ये सबसे छुपकर बागी बनकर जीते हैं। इस सीरीज का सेंटर ऑफ आर्क शिनोबी वर्सेस फूमा है। सीरीज के पॉजिटिव्स की बात करें तो सबसे पहले मैं जिसकी बात करना चाहूंगा, जापान की एक्चुअल हिस्ट्री से इसकी फिक्शनल स्टोरी को रेफरेंस किया गया है। मेजर कैरेक्टर्स को भी काफी स्क्रीन टाइम दिया गया है ताकि उनके साथ ऑडियंस का इमोशनल बॉन्ड क्रिएट हो सके। सीरीज के पहले एपिसोड से ही सीरीज का ऑब्जेक्टिव समझ में आ जाता है जिसकी मदद से हम आगे के 2-4 एपिसोड तक जुड़े रहते हैं। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है, इस सीरीज में एक सुपर हीरो एलिमेंट है जो बहुत परफेक्टली वर्क करता है। हर एक मेजर कैरेक्टर की एक पर्सनैलिटी हिडन होती है जिसका हम ऑडियंस को एक अलग ही किक मिलता है। नेगेटिव्स की बात करें तो मैं बात करूंगा इसके बीच के 2-3 एपिसोड्स की जो बहुत ज्यादा स्लो पेस के हैं। शुरुआत के एपिसोड से एक्साइटमेंट क्रिएट होता है लेकिन ये बीच के एपिसोड उस एक्साइटमेंट को बिल्कुल जीरो पर ला देते हैं। इन एपिसोड्स में कैरेक्टर्स के बीच इंटरेक्शंस के सीन आते हैं जिनके बीच हो रही कन्वर्सेशन में 2-5 सेकंड्स के साइलेंस को भी दिखाया गया है जो एपिसोड्स को बहुत ज्यादा स्लो कर देते हैं। मतलब कि डायलॉग्स के बीच में बहुत ज्यादा ब्लैंक सीन्स है। यहां पर वाइड एंगल शॉट को बहुत ही स्लो कैमरा मूवमेंट के साथ एक कॉन्स्टेंट टेंशन वाले बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ दिखाया गया है जिस वजह से सीरीज को आगे देखने का मन नहीं करता है। पेशेंस रखने के बाद कहीं जाकर सीरीज अपने क्लाइमेक्स तक पहुंचती है। दूसरा नेगेटिव है, इस सीरीज में निंजास के बीच में कॉम्बैक्ट फाइट सीन्स बहुत लिमिटेड है। शुरुआत और एंड के टोटल 2 मेजर सीन्स हैं जिसमें आपको बहुत सारा एक्शन देखने को मिलता है। उसके अलावा ज्यादा एक्शन सीन्स नहीं है। एक्शन एकदम टॉप लेवल का है लेकिन लिमिटेड है। अगर आप ये सोचकर इस सीरीज को देखोगे कि इसमें भर भर के निंजा फाइट सीन्स होंगे तो मेरे ख्याल से आपको ये सीरीज वो डिलीवर उतना नहीं करेगी। रेदर ये सीरीज जो है वो फैमिली ड्रामा की तरफ ज्यादा फोकस्ड है। आई होप इस शॉर्ट स्पॉइलर फ्री रिव्यू से आप ये डिसाइड कर पाए होंगे कि आपको ये सीरीज देखनी है या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे एक लाइक जरूर करें ताकि YouTube को पता चल सके कि आप किस टाइप का कंटेंट प्रमोट करना चाहते हैं। साथ ही ऐसे और भी वीडियोस आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर। दिस इज गौरव साइनिंग ऑफ।